तो इंशाल्लाह खुदा पाक की कसीर तादाद मौजूद है। आप बड़े खुशकिस्मत लोग हैं, अल्लाह आप बड़े खुशकिस्मत हैं कि आपकी ज्यारत करने के लिए उलमा बड़े बड़े दूर से आए हैं। मैं इंतहाई ममनून हूँ, इंतहाई शुक्रगुजार हूँ खतीबे पाकिस्तान हज़रत मौलाना क़ारी यासीन फ़िरोज़ साहब का कि वो यहाँ तशरीफ लाए, मुझे बड़ी खुशी हुई है। तो इंशाल्लाह वो कह रहे थे मैंने खिताब नहीं करना, मैं सिर्फ सामने बन के आया हूँ। मैंने कहा नहीं ये नहीं हो सकता, आप जरूर आएंगे और खिताब करेंगे, तो उन्होंने कहा मैं सिर्फ 10-15 नहीं करूँगा। तो इंशाल्लाह आपके सामने मुखातब होते हैं शेर पाकिस्तान हज़रत मौलाना क़ारी मोहम्मद यासीन फ़िरोज़ साहब। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته। मजमा बहुत है और शहीन साहब का खिताब भी बहुत वलवला अंगेज है, लेकिन लगता इंज है जिमें कब्रस्तान सलाम आख बैठा। अगर अल्लाह पाक ने तैनों हाथ दिते जड़ा लुल है छुट्टी, जरा हथा हाथ दोनों खड़े करके उची आख अल्लाहु अकबर। अजय चस नहीं आती भाई, पता नहीं की गल है या मैं डोरा हो गया। दोनों हाथ खड़े करके फिर आवाज नाल कदर कर जितना रब उच्चा है उच्ची आख अल्लाहु अकबर। मेरे को ना जी टाइम कोई नहीं, मैं तो सुनने वास्ते आया, एक जगह तो बयान करके आया। मैंने ना एवं थोड़ा जहा टाइम मेरे उस्ताद इस्माइल साहब शेखुल हदीस हाफिज़हुल्लाह उन्होंने ड्यूटी लाई है कि 10 मिनट का बयान भी तुसी करना। मैं जो हूँ नारे ना मरिया मैं थोड़ा 10 मिनटा के अंदर तकरीर तो सुना सकता नहीं, एक बहुत बड़ा पैगाम देना चाहना मुहम्मद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक पैगाम बहुत बड़ा पैगाम। अगर मेरा दिल किता या थोड़ा भी दिल किता तो मैं त्राए पैगाम देवांगा पैगाम मुस्तफा, 3 पैगाम। पहला पैगाम पाक सोने नबी पाक ने एक दुआ दसी है, वह दुआ सुन लो। एक सियामी आंदा है कि सोने नबी जी मैं तुहाडे अगे 3 बातां रखना चाहना। बड़ी वैसे कमाल गल कीती, आंदा पहली बात मेरे गुनाह माफ किवें होणगे। हाय कभी आप भी अपना आलमा को आया है कि मैनू कोई ऐसा हल दसो कि मेरे गुनाह माफ हो जाए। सहाबी आया आंदा जी मेरे गुनाह माफ हो जाए। मेरे नबी ने फरमाया होर की गल कहना चाहना है, आंदा मेरे से रब दा रहम हो जाए। सोहने नबी ने फरमाया होर की कहना चाहना है, आंदा कि मैनू हलाल वसी रिजक मिल जाए। प्यारे सोने नबी का पैगाम सुनो, सोने नबी का सोहना पैगाम, उच्चे नबी का पैगाम, सुच्चे नबी का पैगाम, आला नबी का पैगाम, अजीम नबी का पैगाम, रहमतुल आलमीन नबी का पैगाम, अहमद नबी का पैगाम, माही नबी का पैगाम, हाशिर नबी का पैगाम, आकिब नबी का पैगाम, सोने मुहम्मद पाक का पैगाम। सोने नबी ने फरमाया ऐसे आप ही सुन, फिर
मेरे नबी ने एक दुआ पढ़ी, लोगो मैं थे आज सिर्फ सबक सुनावे आया, तकरीर फिर कभी करांगा। तवज्जो चाहिदी है, मेरे नबी ने एक दुआ पढ़ी, उस दुआ का फायदा की है कि बंदे दे गुनाह माफ हो जाएंगे। दूसरा फायदा की है, अल्लाह का रहम हो जाएगा। तीसरा फायदा की है, हलाल रिजक मिलेगा हमेशा। बड़ी बड़ी बात है, और ये तिन्ना चीजों की हर मुसलमान नू हमेशा लोड़ है। गुनाहों की माफी की भी जरूरत है, हमेशा रहम की जरूरत है। अगर तेरे ते रब दा रहम हो गया फिर तू नमाजी बनेगा, अगर अल्लाह दा तेरे ते रहम हो गया फिर तू कुरान पढ़ेगा, अगर तेरे ते रब दा रहम हो गया फिर तू उमरे करेगा, अगर तेरे ते रब दा रहम हो गया फिर तू हज करेगा, अगर तेरे ते रब दा रहम हो गया फिर तू तहज्जुद पढ़ेगा, अगर तेरे ते रब दा रहम हो गया फिर इशराक पढ़ेगा, अगर तेरे ते रब दा रहम हो गया तू हर नेक अमल करेगा, तेरे ते रब दा रहम हो गया तेरे घर डकैती नहीं होगी, तेरे ते रब दा रहम हो गया जादू और जिन्नात हमले नहीं आएंगे, तेरे घर रहम हो गया, हर वेले बरकत ही बरकत रहेगी, तेरे घर रब दा रहम हो गया। प्यारे सुन लो, रहम हो गया तैनू ईमान से मौत आएगी, तेरे ते रब दा रहम हो गया तेरी कमर जन्नत का टुकड़ा बनेगी, तेरे ते रब दा रहम हो गया तैनू कयामत वाले दिन सोने नबी दे हाथ चू हौदे कौसर दा पानी मिलेगा, तेरे ते रब दा रहम हो गया। अल्लाह पाक अरश दा साया नसीब करेगा, तेरे ते रब दा रहम हो गया तैनू बगैर हिसाब दे फिरदौस मिलेगा। हाथ चुक के पढ़ सुभान अल्लाह, अजे आवाज नहीं आई फिर बोलो सुभान अल्लाह। हुण रिज़क भी मिले, रहम भी मिले, बख्शिश भी मिले, तिन्ना चीजों की जरूरत है कि नहीं? अगर है हाथ चुक के सुभान अल्लाह तू पढ़ दे, पैगामे मुस्तफा मैं पढ़ सकता है। सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीर अज़ीम। एक बारी फिर पढ़ो सुभान अल्लाह। ओ सहाबी बहुत ही प्यारा सहाबी है, उन्हें जो सुनया आए दुआ नाल बंदे दे गुनाह माफ होंदे, इस दुआ नाल बंदे दे रब दा रहम हो जांदा है, इस दुआ नाल बंदे नू हमेशा हलाल रिजक मिलता है। ओ सहाबी बहुत ही सीधा बंदा है, असी भी सीधे आए लेकिन जलेबी तरह, असी सीधे आए जिमें जलेबी सीधी होंदी है लेकिन वह हकीकत के अंदर सीधे आन। वह कह लगे जे मैं पढ़ना सुभान अल्लाह, भी तो अल्लाह की तारीफ है, जे मैं पढ़ना अल्हम्दुलिल्लाह भी तो अल्लाह की तारीफ है, जे मैं पढ़ना वल्लाहु अकबर ये भी अल्लाह की तारीफ है, मेरे गुनाह माफ किवें होणगे, मैनू रिज़क किवें मिलेगा, मेरे ते रहम किवें होएगा। मेरे सोहणे नबी बोले, मिठे नबी बोले, उच्चे नबी बोले,
प्यारे नबी बोले हाय केड़े नबी बोले नून वल कलम वमा यसरून بنعمت ربك بمجنون وإن لك أجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم پیارے سونے نبی بولے اچھے نبی بولے अल्लाह दे हबीब बोले चौदह दबकां दे सरदार बोले फरमाया ओ मेरे जिगरी ए लफ़ज़ दे सोने ने जदों बंदा ए लफ़ज़ बोल लवे केड़े लफ़ज़ सुभान अल्लाह वलहम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर ए लफ़ज़ पका लो लोगो तुहानू मेरी तकरीर दी चस नहीं आएगी लेकिन फायदा बड़ा होएगा ए लफ्ज याद कर लो इन्हां नूं पढ़िया करो फिर इन्हां दी पढ़न दी तादाद कोई नहीं फिर ए अल्फाज पढ़न दा टाइम कोई नहीं अगर एक रोज तस्बीह कढ़ लो ते बहुत फायदा होएगा जरा गौर करिया है मेरे नबी ने फरमाया जदों बंदा ए अल्फाज पढ़ लवे फिर अरबी या अरबी मेरे नबी ने फरमाया फिर अल्लाह को मांग लो की मंगो अल्लाह मगफिर ली ऐ अल्लाह मेरे गुनाह माफ कर दे अल्लाह दा तू एडा सोहना मैनू याद किया है इतने प्यारे लफ्ज़ा नाल तू मैनू याद कर छड़िया है तेरे सारे गुनाह माफ फिर बंदा कहिंदा है अल्लाह मरहमनी अल्लाह मेरे ते रहम कर दे अल्लाह दा तू एडा सोहना मैनू पुकारिया है एडे प्यारे अल्फाज़ नाल मैनू याद किया है ते हमेशा मैं अल्लाह रहम कर छोड़िया है फिर बंदा कहिंदा है अल्लाह मरज़ुकनी अल्लाह मैनू हलाल रिज़क दे दे अल्लाह दा तू एडा सोहना मैनू याद किया है तेनू हमेशा मैं रिज़क दियां बहारां दे देंगा ये पैगाम है मुस्तफा है जरा दूसरा पैगाम सुन लो और दूसरा पैगाम केड़ा है ਹੁਣ ਅਰਬੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅੱਲਾ ਮਗਫਿਰ ਲਈ ਕਹਿ ਲਓ ਨਹੀਂ ਪਕਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਆਖੋ ਚਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਵਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਵਲਾ ਇਲਾਹ ਅੱਲਾ ਅਕਬਰ ਪੜ ਕੇ ਨਾ ਅੱਲਾ ਮੇਰੇ ਗੁਨਾਹ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇ ਦੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਲਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰ ਦੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਤੇ ਅਰਬੀ ਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਅਰਬੀ ਚ ਅੱਲਾ ਕੋਲ ਮੰਗ ਲਿਆ ਲੇਕਿਨ ਅਲਫਾਜ਼ ਬੜੇ ਉੱਚੇ ਨੇ प्यारे दोस्तों ये पैगाम मेरे नबी दा बड़ा उच्चा जिमें नबी उच्चा नबी दा पैगाम भी उच्चा हुण दूसरा पैगाम कयामत वाले दिन एक नेकी थोड़ गई ते मां कम नहीं आना प्यो कम नहीं आना मां प्यो आखेगी साड़ी औलाद कोई नहीं बीवी आखेगी मैं तो कुआरी मर गई आई मेरा खामद कोई नहीं एक नेकी नहीं मिलनी मिसाल दे तौर ते अगर करोड़ नेकी अल्लाह नूं चाहीदी है एक नेकी थोड़ गई मां प्यो कम नहीं आएगा बहन भरा कम नहीं आणगे सज्जन बेली कम नहीं आणगे एक मैं ऐसा पैगाम दसण वाला अगर उन्दे ते अमल करोगे सुनियो सुन लो वहाबियो सुन लो देवबंदियो सुन लो बरेलवी हो सुन लो अपने हो सुन लो बिगाने हो सुन लो आलम हो सुन लो कारी हो सुन लो खतीब हो सुन लो इमाम हो सुन लो ओ लोगो सुन लो ए बहुत ही प्यारा पैगाम है इस पैगाम तो बाद मेरा सलाम होएगा प्यारे हो ओ पैगाम पहले नहीं दसना ओ बाद दसना है जदों बंदा जमीन से
एक दो आपड़दा है पहले आसमान से फरिश्तियां दे अंदर हलचल मच जाती है, दूसरे आसमान दे अंदर फरिश्तियां दे अंदर हलचल मच जाती है, सत्त आसमाना से फरिश्तियां दे अंदर हलचल मच जाती है, फरिश्ते की आदर आदर अल्लाह जी मेरा अल्लाह कहता जी हो मेरे फरिश्ते हो की कहना चाहते हो, फरमाया इस बंदे नू इस दुआ दा इस जिक्र दा इस पैगाम दा किन्ना सवाब देना है। हुण अल्लाह पाक बोले पता अल्लाह की आंदा है, अल्लाह दो मेरे फरिश्ते हो इतना बड़ा सवाब कमा गया मेरा बंदा, इतनिया नेकियां कमा गया है, एक दुआ पढ़ के ए मेरे सोने नबी दा गुलाम के मैं एक गल करन लगा। ओ गग्गू मंडी दे मासियो अल्लाह फरमा रहा है अल्लाह दा सारे पानी नू जिन्ना दुनिया दे अंदर पानी है एक हिस्सा खुशकी है, उस खुशकी दे अंदर सवा दो सौ मुलक बन गया है, बाकी सारा ही पानी है, सारे दरियावां दा पानी सारे डैमां दा पानी सारे समुद्रां दा पानी वो स्याही बन जाए, सारे दरख्तां नूं कढ के कलमा बन जाण। मेरे फरिश्तियो इस बंदे ने एक बारी इतनी वड्डी दुआ नबी दी पढ़ी है, तुसी कयामत तक नेकियां लिखण दी ताकत नहीं है। अल्लाह फिर मैं अपने बंदे नूं किवें राजी करोगे, अल्लाह दा मैं खुद कयामत वाले दिन अपने बंदे नूं आप सवाब अता करांगा। ए दुआ ए पैगामे मुस्तफा इतना बड़ा है, पहले हाथ चुक के दोनों उच्ची आवाज नाल अडवांस सुबान पढ़ो फिर मैं तुहानूं दुआ सुना देना, फिर बोलो फिर बोलो फिर बोलो। हां तो मैं भी अच्छा तवज्जो चाहिए है प्यारे भाइयो, पहले मैं वो पैगाम दे दिया फिर मैं डिमांड पूरी कर देना, बड़ा वड्डा पैगाम है तेंदा बहुत बड़ा सवाब है। अगर मैं कहां लखां ने किया फिर भी थोड़ियां ने, अगर करोड़ां ने किया फिर भी थोड़ियां ने, अगर खरबा ने किया फिर भी थोड़ियां ने, क्योंकि सारी तादाद ने किया फरिश्ते लिख सकते ने। ओ सुन लो कैसा पैगाम है, माशाल्लाह माशाल्लाह मैं जो शेर नो वेख लिया नी शेर नो जरा बिल्ली नो भी वेख लो, लेकिन शेरां ते बिल्लियां दा जोड़ कोई नहीं। हुण शेर आ गया ते बिल्ली नबी दा पैगाम दे के जा रही हो काड़े, एक बारी दोनों हाथ चुक के सुभान ना पढ़ो जल्दी जल्दी बस माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। बड़ा मजा आया शेर दे इत्थे सीने दे हाथ लाया ते ठंड पई, मैं भी हुण अद्धा अद्धा शेर बढ़िया करा। पैगाम सुनो हाथ दोनों चुक के एक बारी सुभान ना पढ़ो फिर पढ़ो या رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك। छोटी जी दुआ है एक बारी पढ़ोगे इतना सवाब मिलेगा, अल्लाह दा है फरिश्ते हो सारी दुनिया दे पानी नू स्याही बनाया जाए, दरख्तां नू कलमा बनाया जान फिर भी नेकियां लिखण लिख नहीं सकदे। मैं खुद अपने बंदे नू कयामत वाले दिन
इंदिया नेकियां दा सवाब खुद अता करके राजी कर देंगा। फिर सुन लो ओए, आज पढ़ लो, आज पका लो, एक ही फेरा है, दोबारा किसे आवन नहीं देना। मेरे ताया जी आन बुढ़े हो गया, फिल्म दी शायरान लोगों ने पूछा की हाल है, उन्होंने शेरा के अंदर हाल दसया है, एदु शेर पूरे हो गए, एदु हाल भी दसया गया, जिंदगी भी पूरी हो गई। की पूछते हो दोस्तों हाल मेरा, फानी दुनिया तू मुख बवाई जाना। की पूछते हो दोस्तों हाल मेरा, फानी दुनिया तू मुख बवाई जाना। की मनख करा अपनी जिंदगी ते, 80 साल की उम्र निभाई जाना। किता हज गुना अल्लाह माफ कर सी, किता हज गुना अल्लाह माफ कर सी, ओ भी कर कर तू तो वजाई जाना। तुसी आखदे हो सारे नेक मैनू, मैं अपने आप शर्माई जाना। पल्ले पैसा ना एक मलाही जोगा, पल्ले पैसा ना एक मलाही जोगा, लंबे सफर दा होया मैं रही जाना। तुसी आखदे हो सारे नेक मैनू, मैं अपने आप शर्माई जाना। पल्ले पैसा ना एक मलाही जोगा, लंबे सफर दा होया मैं रही जाना। कबर दूहने रुखबार सावी नाल लई ना कोई रुशनाई जाना। कबर दूहने रुखबार सावी नाल लई ना कोई रुशनाई जाना। उत्थे सब ठूए बड़ी जहर वाले, पल्ले बत्ती ना कोई दवाई जाना। लकना तू दी है आस मैनू, बाकी आसरे सारे मैं ढाई जाना। तुसी आखदे हो सारे नेक मैनू, मैं अपने आप शर्माई जाना। प्यारे दोस्तों, ये मेरे ताया जी ने शेर पढ़िया, एदू जिंदगी मुख गई, एदु शेर भी पूरे हो गए। आखिर दावना अनिल हम्दुलिल्लाह है आलमीन। पर्ची मिल जाए, पर्ची का मान आंदा बिहार का की है, माशाल्लाह बड़े बड़े आलम आ गए। यार मैनू ना समझ नहीं आती क्योंकि नजर ठीक नहीं। जो सुना दिता तुसी सुन लिया, दो मैं पैगाम देके जा रहा, दोनों पैगामों से अमल कर लो, अल्लाह तेरी दुनिया भी बेहतर करेगा, तेरी आखिरत भी बेहतर करेगा। हुण पसरूरी साहब आ गए, बब्बर शेर ते कारी यासिन गरीब जा रहा है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।